बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। मोहम्मद सिद्दीक पाकिस्तान पर आप बैरियाटोन कराची के प्लेटफॉर्म से व्यूअर एपिसोड 3 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे जो बैरिया के बने बनाए अपार्टमेंट हैं तो उसके अंदर नंबर 3 पे आ जाता है बैरिया सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट। तो इसके अंदर बेसिकली जो टावर बन रहे हैं इस टाइम जो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं वो 8 टावर हैं, वैसे जो दिए गए थे वो 10 टावर दिए गए थे। तो ये जिस तार के ऊपर बन रहे हैं ये अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क है, तो वहाँ पे जो सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट हैं उनको कॉपी करके यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो मैं इसकी अगर बात करूँ, देखें इसकी बेसिकली 3 डीलें लॉन्च हुई थी। जो पहली डील थी वो 74,50,000 वाली लॉन्च हुई थी, जो सेकंड डील थी वो 90 लाख की लॉन्च हुई थी, अभी थर्ड डील रिसेंटली बैर ने लॉन्च की है वो 1 करोड़ रुपये की है। तो इसके अंदर देखें 3 किस्म के अपार्टमेंट हैं, एक इसके पार्क वेस अपार्टमेंट हैं, एक इसके वेस्ट ओपन अपार्टमेंट हैं, एक इसके जनरल अपार्टमेंट हो जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसके जो पार्क वेस अपार्टमेंट है उसकी बात करूँ, देखें हर टावर के अंदर जो इसके पार्क वेस अपार्टमेंट हैं उसके अंदर 3 बालकनी है और तीनों बालकनी से आपको सेंट्रल पार्क का अभी देखने को मिलता है। और जो सेंट्रल पार्क बनाया गया है ये 32 एकड़ के ऊपर मुश्तमिल पार्क है, उसको ऑपरेशनल कर दिया गया है। इसके अंदर मिनी थिएटर भी बनाया गया है। देखें जो इसके रेजिडेंट्स होंगे जिन्होंने सेंट्रल पार्क लिया हुआ है उनके लिए फ्री एंट्री है, जबकि बाकी जो भी विजिटर आते हैं या जो भी बंदा आता है तो उसकी इन्होंने एंट्री की भी फीस रखी हुई है। तो ये तो हो गया इसका जो पार्क फेस मैं बता रहा हूँ उसकी बात होगी। पार्क फेस के अंदर देखें इस टाइम जो हमें ओल्ड डील है 74,50,000 वाली, वो हमें तकरीबन कोई 1 से 2 लाख या 3 लाख रुपए ओन के ऊपर हमें देखने को मिल रही है। और जो दूसरी डील इसकी लॉन्च हुई थी 90 लाख वाली, जिसके अंदर 30 लाख रुपये डाउन पेमेंट थी, बाकी जो थी 3 साल की किस्तें जा रहे थे, वो हमें इस टाइम लेवल के ऊपर डील देखने को मिल रही है। और तीसरी डील जो इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च की है बैरिया ने, जिसकी 11 लाख रुपए डाउन पेमेंट है, रिमेनिंग आप 1 साल के थोड़ी 3 साल की आपकी किस्तें होंगी। तो इसी तरह इसके जो वेस्ट ओपन अपार्टमेंट हैं, जो वेस्ट ओपन अपार्टमेंट से आपको वो मिलता है वो ग्रैंड जामिया मस्जिद का व्यू वहाँ से आपको देखने को मिलता है। और बाकी जो अपार्टमेंट हैं इसके जनरल अपार्टमेंट हैं। देखें इसके नीचे ही बैरिया ने इसकी कार पार्किंग दी हुई है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, फिर इसके फर्स्ट फ्लोर से लेकर इसके ऊपर तक जो है वो 2 बेडरूम अपार्टमेंट दिए गए हैं, और इसके जो टॉप के ऊपर है वो आपके पेंट हाउस दिए गए हैं। तो बहुत ही प्राइम लोकेशन है, बहुत ही प्राइम जगह है रहने के लिए, और बैरिया की अपनी प्रॉपर्टी है A+ कंस्ट्रक्शन के साथ। आप यहाँ पे आकर वो देख सकते हैं वो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। और जो पार्क फेस हैं उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा चलती है, कम ही हमें सेल के ऊपर देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनके तीनों बालकनी से आपको जो सामने है वो सेंट्रल पार्क का लाइफ टाइम तक व्यू देखने को मिलता है। तो ये थे बैरिया की प्रॉपर्टी जो बैरिया ने अपने अपार्टमेंट बना के दिए हैं, और बहुत ही प्राइम लोकेशन और बहुत ही कुशादा किस्म के अपार्टमेंट। उसके बेडरूम के साइज़ वो देखें मास्टर बेडरूम के साइज़ हैं, और इस तरह जो उसका वाशरूम दिया गया वो भी बहुत बड़े वाशरूम के साइज़ दिए गए हैं। इस तरह जो इसकी लिफ्ट का एरिया दिया गया, रिसेप्शन का एरिया दिया गया, पार्क दिए गए हैं, और इस पार्क के अंदर आपको हर चीज़ वॉकिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, मिनी थिएटर हो गया, और सेंट्रल पार्क जिस तरह अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क में है छोटी सी उसके लेक है, सेम उसी ही पैटर्न को कॉपी करके यहाँ पे ये अपार्टमेंट बनाए गए हैं। तो आप अपना यहाँ पे कोई अपार्टमेंट लेना चाहते हैं या किसी किस्म की आप इसके मतलब मालूमात करना चाहते हैं, स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया गया, इस नंबर के ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद वीडियो को देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।